अस्सलामुअलैकुम, जीत का जोश ट्रांसमिशन जारी है और मेरा नाम है अक्षय ज़ादा और मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इनकी कारपेट टांग गई। क्या पता है क्या वो चप्पू भाई मेरी जो है टांगे क्या कहाँ पे इसलिए टांगी है क्योंकि ना नहीं वो असल में ना क्या कहते हैं वो कल मैंने एक अपना फीडबैक सुना है ना जो कि मुझे दिया गया था, बहुत अच्छा फीडबैक था और बहुत ऑनरेबल हैं जिन्होंने जिन साहब ने वो फीडबैक दिया है। और मेरा ये मानना है कि शायद चप्पू भाई आपने ना हमें पैसे कम दिए थे तो इस वजह से ना हमें ये फीडबैक सुनने को मिला है, क्या ऐसे ही है जी? आपने हमें पैसे कम दिए थे ना, देखें इतना ऐसा फीडबैक आया हमारे हवाले से। ये ना कि हम लोग मतलब कोई साहब थे उन्होंने आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, आप पता नहीं क्या छोटी छोटी बातें को लेके जल्दी हो। ओ भाई इसको लेकर बड़ी बातें खरीदो यार कोई। भाई आपने खरीद आप हमारी होश का मजाक उड़ा रहे हैं यार, ऐसा ना करें। नहीं हम नहीं, मैं दुनिया उड़ा रही है। नहीं दुनिया को तो अभी पता ही लगा, मैं बता रहा हूँ ना दुनिया को, ए दुनिया अच्छा खैर मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जो होस्ट हैं साकिब रजा एहसन इकबाल वो बहुत अच्छा कर लेते हैं तो मुझे जाना चाहिए। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा तो मतलब यहाँ पे दही लेने आई थी आपका? जी बिल्कुल, आपने नहीं आपने वो भी नहीं दिलाई, आपने उसकी भी पैसे नहीं दिए, आपको पैसे नहीं भाई आपने मुझे ईद आपने कहा था कि मैं ईद ट्रांसमिशन के पैसे दूंगा बहुत अच्छी करना, लेकिन आपने उसके भी पैसे नहीं दिए। उल्टी तो दी थी ना मैंने, और आपने फर्स्ट डे में तो आपकी इतनी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती बेइज्जती हुई है, बेइज्जती क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो जी, जिल्लत और सर्दी फील करने से होती है, मैंने फील नहीं की यार। लेकिन कुरा तो लेना बासी ने आपकी बेइज्जती कर दी। कुरा तो लेना बासी कौन है? बेइज्जती कर दी, बेइज्जती खरीदा थोड़ी है, जब खरीद लेता तो मैं ये ले जी हो साहब, आप कोई फायदा नहीं है चप्पू भाई का। ओ हेलो, मैं क्या कोई मतलब कोई आयुर्वेदिक दवा हूं क्या जो मेरा फायदा होगा? कौन हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे मिजाज हैं आप सब के, खैरियत से हैं? दिस इज़ साकिब रज़ा विद यू। हमेशा की तरह हम जीत का जोश में एक बार फिर आ गए हैं, 3 से 4 हमें सुनते हैं आप रोज़ाना। जनाब यारी ICC T20 वर्ल्ड कप जारी है और उसी सिलसिले में हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जनाब 44 मैचेस हो गए हैं, 44 मैचेस अब तक ICC T20 वर्ल्ड कप में हो चुके हैं। जनाब कल शाम खेला गया इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, क्या मैच हुआ, बड़ा ही शानदार मैच रहा। अफगानिस्तान को बिल आखिर शिकस्त हुई इंडिया के हाथों, 47 रन से इंडिया ने कल मैच जीता है। और काफ़ी सारे लोग हमारे पाकिस्तानी फैंस जितने भी हैं पाकिस्तान से उम्मीदें हारने के बाद कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान का चिराग भी इंडिया ने गुल कर दिया। तो एहसन इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनाब अली ICC T20 वर्ल्ड कप में आज मैच नंबर 45 खेला जाएगा, पहले बाद में 46 होगा, कल मैच नंबर 45 होगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो अच्छा यार शाकिब भाई मेरे पास ना एक जोर से बात आ रही है, एक आइडिया आया था, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि हम पहले दिन फाइनल खेल लें और वो हम जीत के चले जाएं और फिर बाद में बाकी सारी टीमें खेलती रहें। अच्छा ये अजीब सी मंथक लाए आप। मंथक नहीं होती बेटे, आप तमाम लोगों के उम्मीद खैरियत से होंगे। नहीं मुझे लोगों के दिलों तक पहुंचना है इसलिए मैं करीब से बात करता हूँ। चप्पू भाई आपको नहीं पता, आप छोड़ देंगे, साइंस हमारी हमारे पास रहने दें। अच्छा जी उम्मीद है कि आप साइंस की बातें कर रही हो, वो बजाए ना मुझे बजाते करके ये चप्पू चार्जर का गला खराब हो गया। अच्छा जी बहरहाल सीन ये है कि तुम्हें माइक पकड़ा के मुझे लोग बिस्किट खा रहे हैं। हाँ तो बस क्या करें, भूखे नहीं भाई ये अलाउ नहीं होता, डायरेक्टर साहब ने किसी दिन देख लेना तुम्हें तनख्वाह, ये डस्टबिन में भी नहीं फेंकता रहे पर ये हमें भी मरवाएगा, ये जेब से इसको देनी पड़ जाएगी तनख्वाह। वेल जनाब आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं फेसबुक facebook.com/nahisubhainstitute पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं 0330860072 पर। आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं, आपके मैसेजेस आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा हो बुरा हो नेगेटिव हो कंस्ट्रक्टिव हो पर वाह किसको है, हम तो सिर्फ आपका फीडबैक चाहते हैं, वो फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। हम बात फीडबैक देते हैं और हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, बस हमें फीडबैक चाहिए, हमें फीडबैक चाहिए, हम आपको सराहते हैं, आपका थैंक यू करते हैं कि शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला, टाइम
तो हमारे पास ये जो चाय पिलाने वाले भाई बैठे हैं, इनसे भी इनके साथ। हाँ जी, हमारे पास आज क्रिकेट शायकीन में से एक जो है वो शाइख मौजूद है। वाह वाह वाह, क्या बात है, और बेहतरीन हो गई। इनका नाम निशान भाई है, ये पूरी दुनिया को चाय पिलाते हैं। हाँ जी, ये चप्पू भाई, माइक पे बोलो भाई जान, ये माइक पे बोल देता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप, ठीक हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक। यार मैंने आपको एक हफ्ते से रोता हुआ देख रहा हूँ, क्या मसला हो गया यार, बता दो। कोई भाभी भाभी छोड़कर तो नहीं भाग गई? यार भाभिया तो है नहीं। भाई भाभी के साथ क्या है, भाभिया मुसलमान है, तीन चार की इजाजत है। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़े खत्म करे। आप रो क्यों रहे थे ये बताओ, किससे आगे निकलते हम? रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था कि जिनसे उम्मीदें लगाई थी वो हार गए। तो भाई जिनों से उम्मीदें क्यों लगा के बैठी हो, इंसानों से लगाओ, जिन से लगाई थी? अरे जिन वो जिन जिनों को मैंने भेजा था मैच जीतने के लिए, वो सारे बुड्ढे थे। आपने गलत बंदा भेज दिया ना, आपने बंदे तो भेजे ही नहीं थे, जिन भेजे थे। अच्छा ये बताएं, आप किसके फैन है, बाबर आजम के फैन है या आमिर के? यार मैं तो बाबर आजम का फैन हूँ। ये कैटरीना कैफ का फैन है? बाबर आजम के फैन है, तो बाबर आजम थोड़ा सा पंखा वंखा झोल लेते हैं, वो हवा शवा लग जाती है उनके दिमाग को। यार बाबर आजम के दिमाग को हवा लगी, लेकिन एक बंदा 11 बंदों की जगह तो नहीं खेल सकता ना, अब वो अपनी जगह तो खेल रहा है। उसकी पाकिस्तान में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें, इस वर्ल्ड कप में। और क्या चाहिए पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों को शायद वही नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। मतलब यार अगर बाबर आजम टीम में ना हुआ ना, तो ये जितने भी है ना, ये सारे 5 रन पे सारे आउट होके आ जाएंगे। ये मेरा चैलेंज रख ले। ये तो हमने तजर्बा किया है, जब भी बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो उसके बाद फिर कोई परफॉर्म नहीं करता। फिर हम कभी चाहे आसिफ अली को ले आए, फिर आजम खान को ले आए, फिर चाचा जान हमारे भी, वो भी कभी परफॉर्म करते हैं। हम अपनी टीम में ब्रेन लाला को नहीं खिला सकते? ब्रेन लाला खिला सकते हैं, कोच बना के खिला सकते हैं। चमिंदा वास को खिला लेते हैं, छोड़ो शर्मिंदा वास। अबे शर्मिंदा नहीं, चमिंदा वास, श्रीलंका वाले। अच्छा अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, फिर अगर बाबर आजम आउट हो जाता है और सारी विकेट गिरने एक बात एक के बाद एक गिरने शुरू हो जाती है, तो फिर तनकीद बाबर आजम पे क्यों होती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। असल में बाबर आजम के साथ और मसाइल भी हैं, कुछ जेलसी फैक्टर भी बहुत है कि बाबर आजम से कुछ लोग जो है ना, क्योंकि बाबर आजम जैसा बैट्समैन बहुत मुश्किलों से पैदा हुआ है पाकिस्तान में। सो हमारे साथ मिस फरियाल भी मौजूद हैं, पिछली ट्रांसमिशन में भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी थी जीत का जोश की, तो इन्होंने आजम खान पे कमेंट किया था और वो बहुत हिट हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मिस फरियाल, क्या किया था मेरे को बताओ जरा, मैं तो छुट्टी पे था, अमेरिका क्या हुआ था? इन्होंने आजम खान को कहा था कि अगर आजम खान जैसे प्लेयर भी टीम में हो सकते हैं तो फिर मैं भी हो सकती हूँ। पहले सलाम कर दी बीबी जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके चाचा के? ये आपको मेकअप कम पड़ रहा है, मैं मेकअप खरीदूं आपको? नहीं नहीं, तो यही तो बोल रहा हूँ, कम पड़ रहा है ना, बस आप लगा के नहीं आई ना, तो वो ये समझे कि शायद मेकअप आपके पास है नहीं। ये असल में थोड़े से अमीर है तो सबको गरीब समझते हैं। पैसा बहुत है, मैं अमीर नहीं भाई, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है कहाँ ये नहीं पता। पहले मैं बोल लूँ? चले आप बोल। नहीं नहीं आप बोले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक मजे में लश पश। और आज वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही थी। हाँ जी आज ही भी वो तो पाकिस्तान बाहर हुआ है, वर्ल्ड कप तो खत्म नहीं हुआ अभी। हमारा तो भी है ना, मैंने आप लोगों को बताना था कि हमारी फीमेल एथलीट्स जो कीनिया के दौरे पर थी, बहुत अच्छी खबर है, कल उन लोगों ने पहले राउंड के दोनों मैचेस में भाई क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस टू टेस्ट मैच फर्स्ट डे हुआ था उसमें फाइव पेन ने दूसरे राउंड में मैच हुआ। गोल बॉल में टेस्ट मैच भी होता है? अच्छा अच्छा, टेस्ट मैच मतलब ट्रायल मैच, जैसे जिसको हम वो कहते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस मैच कहते हैं, प्रैक्टिस मैच कहते हैं हम लोग क्रिकेट की टर्म्स में, उसको प्रैक्टिस मैच कहते हैं और वहाँ उसको टेस्ट मैच कहते हैं। चले जबरदस्त हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सबर तो कर लें, पहले मुबारकबाद तो ले लें। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को, और के हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल एथलीट्स हैं वो कीनिया में जाती हैं, और हिस्टोरिक मोमेंट था जब वो कीनिया से डिपार्ट हुई थी, यहाँ कीनिया के लिए एयरपोर्ट पाकिस्तान जो कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से जब वो गई थी, तो बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट थे, बहुत मीडिया ने उसको लाइमलाइट में लिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वहाँ जाकर हमें मायूस नहीं किया। देखें यही फ़र्क है, जब हमारी टीम अमेरिका जाती है तब भी हम खुश होते हैं, जब कीनिया जाती है। नहीं वो नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि जब हम अमेरिका जाते हैं तब भी हमारे साथ उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं उतरी, पूरी नहीं हुई, और उसके बाद जब हम कीनिया गए थे तब भी उम्मीदों से गए थे, पूरे नहीं हुए, अलग बात है।
जनाब अभी कुछ देर पहले बात हुई बाबर आजम के हेटर्स के हवाले से, बाबर आजम से जो बाबर आजम से जो जेलेसी रखते हैं यार, देखें जितना जितना बड़ा नाम होता है डेफिनेटली ये तो डेफिनेट सी बात है कि उसके खिलाफ भी लोग बोलते हैं, और जितना बड़ा नाम होता है लोग उससे उतना ही फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं। बाबर आजम हमारी टीम के हीरो हैं, बड़े किंग कहलाते हैं और बड़ा नाम है वाकई, और ये ऐसे भी नहीं है, माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को सर्व किया है। तो ये कि जब इतना बड़ा प्लेयर होगा और उससे हम उम्मीदें ना लगाएं, उनके ऊपर हम तनकीद ना करें, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। ऐसा इकबाल आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो जेलेसी में बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वाकई बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे फिर आप? भाई भी बिला वजह तनकीद ना करें ना, मतलब आप अपने भाई आप अपने आपके 9 मैचेस हैं और आप बाबर आजम से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि देखो वर्ल्ड कप में मेरी एवरेज ज़्यादा है और सामने वाले की एवरेज कम है। आपने वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके अपनी एवरेज बढ़ाई हुई है, और आप बाबर आजम से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी वर्ल्ड कप खेला है, जिसने दुबई में भी वर्ल्ड कप खेला है, मतलब मुख्तलिफ पिचेस पर वर्ल्ड कप खेला है। और आज की जो क्रिकेट है ना इतनी फास्ट हो गई है कि जो प्लेयर अभी मीडिया में ड्राइंग रूम में एक्सपर्ट बने हुए ना, वो अगर आगे खेलेंगे ना तो शायद उन्हें अभी बॉल ही समझ ना आएगी, क्योंकि हमारी बॉल बहुत लाइट वेटेड हो गई है और बैट्स हमारे थोड़े से हैवी से हो गए हैं, और मतलब बैट्स भी बहुत लाइट हो गए और पिचेस इस तरीके की हो गई हैं कि बैटिंग सूटेड पिचेस तो हैं लेकिन उसमें क्रिकेट बहुत फास्ट है, आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलना पड़ता है। आप देखें कि पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ बाबर आजम फेल नहीं हुए, जितने क्लासिकल प्लेयर्स थे विराट कोहली की परफॉर्मेंस बाबर आजम से कहीं नीचे, लेकिन विराट अभी तक के वर्ल्ड कप में उनकी जो उनके जो स्कोर बने हैं, यानी उन्होंने जो अभी तक रन्स बनाए हैं पूरे वर्ल्ड कप में 29 रन्स बनाए। हाँ तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम पर जितनी तनकीद हो रही है, क्या इंडिया में विराट कोहली पर इतनी तनकीद हो रही है? अच्छा केम विलियमसन पर इतनी तनकीद हो रही है, वो भी उसी टाइप के प्लेयर हैं जो क्लासिकल नेचर रखते हैं। इंग्लैंड में तो खैर इस टाइप का कोई प्लेयर अब बचा ही नहीं है, हर कोई हिटिंग करना जानता है और आते ही बस खेलो आउट हो भले कोई मसला नहीं है, उनकी नेचर वो बन गई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा जितने भी जो प्लेयर क्लासिकल समझे जाते हैं, रोहित शर्मा को आप देख लें वो भी परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो एक सूर्य कुमार यादव हैं जो कि क्लासिकल प्लेयर भी हैं प्लस हिटर भी हैं, और कल भी उन्होंने बहुत बेहतरीन 53 स्कोर किया। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, जो सब कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के मैच में बारिश पड़ गई और उसके बाद फिर DLS मेथड के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को 28 रन से जो है वो जीत मिली और बांग्लादेश ने 140 रन से स्कोर किया 8 विकेटों पर, और उसके बाद फिर 100 स्कोर था 11 ओवर्स में जब बारिश हुई और उसके बाद फिर DLS मेथड आ गया। आज जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, साउथ अफ्रीका में अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं आ सकी जिसको हम कहें कि साउथ अफ्रीका की टीम, मतलब जिस तरह से ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की टीम दिखती है, क्लासन है, डिकॉक है, डिकॉक की परफॉर्मेंस तो आ गई है पिछले मैच में 47 में 87 उन्होंने किया था USA के अगेंस्ट, तो वहाँ तो खैर परफॉर्मेंस आ गई है, लेकिन अभी बहुत सारे जो इनके प्लेयर्स हैं एंड तक, जो इनके मिलर भी हैं और उसके बाद जितने मतलब इनके प्लेयर्स हैं साथ पूरी बैटिंग ऑर्डर में, सब एक से एक हिटर हैं और एक से एक जो है वो क्लासिक के हिटर हैं। तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये सब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अकेला बाबर आजम ही कसूरवार नहीं है। केम विलियमसन ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया, उन्होंने भी बोला है कि भाई वो परफॉर्म नहीं कर सके। लिस्टनर्स आप सुन रहे हैं जीत का जोश, नई सुबह वेब रेडियो पर इस वक्त हमें एहसन इकबाल, जीशान, फरियाल, चप्पू भाई के हमरा। रुक जा भाई, मैं जब भी कहीं जाता हूँ यार तो पता नहीं समझ नहीं आती तुम इतने बंदे जमा क्यों कर लेते हो, राशन बांटते हो क्या? क्योंकि बंदों से प्यार है, ये जो प्यारा PSL है, ये जो प्यारा वर्ल्ड कप है जनाब, प्यार बहुत है हमें, एहसन इकबाल से भी प्यार है, बाकी जितनी टीम है हमारी जाहिर है आपके लिए इतनी काविशें कर रही होती है, इतनी मेहनत कर रही होती है, दिन रात एक करके आप तक ये ट्रांसमिशन हम पहुंचा रहे होते हैं, दिन रात कोई एक नहीं हो रहे होते, हेलो बस घंटा करते हो उसके 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 पीछे इतनी मेहनत होती है चप्पू भाई, मासूम मासूम खवातीनों को बुला लेते हो, मासूम इस शक्ल पे भाई इनको वहाँ पे लेके जाओ अमेरिका, इन शक्लों पे हमें वर्ल्ड कप मिल जाएगा। ये मासूम जो आप कह रहे हैं ना, ये ऑफ द कैमरा ऑफ द माइक इतना बाबर आजम को कुछ कह रहे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं भाई, इन शक्लों पे राशन भी मिल जाएगा और एक मिनट नहीं रुक जाए, इस पेज इन चकलों पे ना हमें राशन तो मिलेगा वर्ल्ड कप भी दे देंगे वो। अभी भी मैं कह रहा हूँ देखो बात सुनो, कोई 150 तो चप्पू भाई यार आपके लिए कोई मुश्किल है, टिकट करवाए हो जाएगा, सुन लो इनको ले जाओ टिकट करवाए ना, ये आपके लिए मुश्किल है कोई टिकट की बात करें, टिकट कराओ, असीत जाना है बिलो दे घर जाना है USA।
भाई इनके नाम पे वर्ल्ड कप मिल जाएगा। नहीं नाम पे नहीं, शक्लों पे, मासूम शक्लों की बात हो रही थी। नहीं मासूम शक्ल क्या, मेरे शक्ल पैसे लिखा हुई, ये भिखारी है। अबे भिखारियों को भाई, भाई भिखारियों को राशन थोड़ी मिलता है। इंटरनेटली आपने यही बोला है भाई, आपने हमारे बंदा नाराज कर दिया यार, बेवफा। क्षमा चाहता हूँ भाई। जनाब हमारे साथ जीशान भी मौजूद हैं, जीशान से बात करते हैं। जीशान क्या लग रहा है इस वर्ल्ड कप में कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंच रही हैं? इंडिया तो पहुंच रही है। अच्छा, साथ में आप कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि सबकी हालत खराब हो चुकी है इंडिया के बगैर। अच्छा, तो अभी मुझे तो इंडिया फाइनल में लग रही है, इंडिया फाइनल में लग रही है, और साथ में वेस्ट इंडीज। और अगर ये हुआ, मुझे लग रहा है कल वेस्ट इंडीज को शिकस्त हुई है। वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ना, मुझे ईरान जीतता हुआ दिख रहा है। अगर इंडिया और वेस्ट इंडीज का फाइनल होता है तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि वेस्ट इंडीज ही फाइनल जीत जाएगा। फिर तो जाहिर है ये तो होगा। वेस्ट इंडीज जिस फॉर्म में है और इनका जो क्या बोलते हैं कोच है, वो डेरान समी है भाई, बड़ा नाइस बंदा है। समी को छोटा भाई नहीं, वैसे अगर हम बात करें 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप। अच्छा ठीक है, लड़िए मत, एक सेकंड मैं बता रहा था कि 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, सेकंड हो गया ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर जाहिर वो इंडिया उसको यानी होस्ट कर रहा था, तो हम सब वर्ल्ड कप हम सबको लग रहा था कि इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया का क्राउड होगा, इंडिया खेल रहा है अपने मैदान पे, आराम से जीत जाएगा। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे कमाल कर दिया था। एहसन इकबाल आपने अभी कहा कि वेस्ट इंडीज जीत जाएगा, स्टेडियम में 6-6 दर्जन कंगारू बैठे हुए थे। कंगारू ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल, जो इज्जत दिया करो, खवातीन भी हैं और इतनी इज्जत हमारी गेस्ट भी हैं, इनकी बात सुना करो। जी बाजी आप कुछ बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं यही बोल रही थी आपके वाली बात। हाँ जी, यानी इन्होंने मुझे लाजमी तंग करना होता है, बोलना नहीं, इनको माइक चाहिए। ये तरसे में। अच्छा मैं कह रही थी कि आज जो है ना हमारे गोल बॉल गेम का फाइनल रेस के लिए दुआ कीजिएगा, अगर वो जीत कर आ गए तो मजा ही आ जाएगा हमारे फीमेल एथलीट्स। माशाल्लाह, मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी, आप ही खिलाएंगे। यानी मैं खिलाऊंगा, टेंशन नहीं, तो पूरी फैक्ट्री खरीद दूंगा जेली बेली की। जेली बेली? हाँ जेली की, वो कंपनी का नाम नहीं लेना। गोल बॉल जीते तो जेली बेली, कंपनी का नाम नहीं लेना, प्रमोशन हो जाएगी खामा खा। सही। अच्छा मैं बता रहा था, ये एसएन ने मेरी बात को इग्नोर मार दिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वर्ल्ड कप में ईरान जीतता हुआ दिख रहा है, इराक के हाथों। नहीं नहीं, वर्ल्ड कप तो ईरान, बीच में कहां से आए ईरान और इराक? नहीं तो जंग चल रही थी ना पहले इनकी, ये वर्ल्ड कप में तो लड़ लेते। बात होती है दिल जीतना बड़ी बात होती है, ईरान ने दिल जीते हुए। अब बाद में, अच्छा मजे की बात सुनी, जब ईरान वर्ल्ड कप जीत जाएगा ना तो दमिश्क किसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेगा? ओ माय गॉड, ये पता नहीं क्या चल रहा है इनका, इनके जोग्राफियों का की बदहजमी हुई है इनको। इनके जोग्राफिया की ना इनको बदहजमी हुई है, छोड़ दें। अच्छा सही है ना, हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी चप्पू भाई, मैं नहीं आज भाई, माजरत, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ भाई। नहीं यार मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा खैर, आपको जब भी जुमला बोलना को ना, उससे पहले बोलने को जान के मान पाऊँ तो बस इतना बोल दिया करो, समझ जाऊंगा मैं बच्चा भी ना, जान पाऊँ ना मान पाऊँ, आप छोड़ें। इंग्लैंड और अफ्रीका का मैच है, दोनों टीम्स चप्पू भाई दो शकीरा पार्टू बन गया। नहीं नहीं, ये शकीरा पार्टू नहीं है, ये शकीरा वर्सेस अबरारू लग के। ये बाजी हमारे साथ है, क्यों ना हम इनसे कुछ सुने आज, इनसे खड़ी खड़ी सुन लोगे तुम? नहीं 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 यार, कोई गाना सुनते हैं, कोई मौसीकी का तड़का लगाते हैं यार। जुम्मे को भी आई थी और हम जुम्मा पढ़ रहे थे, आप सलाम पढ़ दें आज, जुम्मा आज कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई लतीफा पढ़ दें, कोई गाना, कोई शायरी, कोई मजाक, कोई हंसी, कुछ भी। ये पिछली बार भी यही था, ये भी हम बताएंगे, जो सुनने के लायक हो वो पढ़ेगा। वो जो खाजा साहब ने अपनी पहली तकरीर की थी ना, वो पढ़ दें। 11 अगस्त 1947 भाई, क्या बात है, मेरे जो 2 साल का बच्ची है ना उसको भी पता है। पूरा पाकिस्तान अलग हो गया, बाबर आजम कैसे अलग होगा? अच्छा बाबर आजम को हम फैन ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ दिनों के लिए आप चले जाओ, इनको पता चल जाएगा।
हाँ अच्छा एक नुकात मैं भी देता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग कर दो। हाँ ये नहीं हो सकता, सबके दिल खुश हो जाएंगे भाई। सिंध मुंबई से अलग हो सकता है, सिंध मुंबई से अलग हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट से अलग नहीं हो सकता, ये नामुमकिन वाली बात है। 2011 में अच्छा हो गया, अब हम आगे चले। अच्छा सॉरी मतलब इज्जत भी फील करने से होती है और इज्जत भी नहीं होती। हाँ गर्मी नहीं, गर्मी तो खुद ये फील नहीं करती थी, उसको बताना नहीं पड़ता, वो तो ऐसी जगहों से पसीने निकलवा देती है बस। अच्छा ठीक है, अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कोई ट्रेन है? अच्छा सही है ना, पीएसएल से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी गाना नहीं सुना आपने पीएसएल का, उससे रिलेटेड सागर प्रसाद कह रहे थे वो जो ग्रुप मेरा ग्रुप। अगर तुम पीएसएल के गाने चलोगे तो पीएसएल की बातें करोगे, ठीक है? उससे पहले तुमने बोली क्या वो तो दादा गुलाब लेकर, तो क्या उसकी गुलाब की भी बातें करते ना? देखो इतनी सारी बातें हो जाती है, मैं मजाक नहीं है क्या? मतलब वो क्या है वाले? अरे छोटे ये होटल में ट्रांसमिशन हो रही है। अच्छा खैर मिस फरियाल, हमें थोड़ा सा बताएं जो गोल बॉल होता है जो ब्लाइंड पर्सन खेलते हैं, इसमें फीमेल मेल इनका जो सिलसिला होता है, मतलब ये क्या गेम्स होते हैं, किस तरह से, मतलब एक बीइंग अ कॉमन मैन मुझे समझाएं कि किस तरह से विजुअली। अच्छा ना मुझे सवाल तो पूरा करने देना, किस तरह खेलते हैं और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कितने मिनट का ड्यूरेशन होता है कि उसमें गेम हो जाएगा, और फिर उसमें इंजरीज वगैरह का खतरा जो सब कुछ होता है वो कैसे मैनेज होता है? माइक आगे करो, हां बाजी इस माइक में बोलना है। ये जो अच्छा थोड़ा आगे हो जाए, तार निकल गई ना तो फिर आप भी निकल जाएंगे। अच्छा देखें, नहीं तंग करें, बोल लेने। ये जो गेम होती है बस सिंपल सी होती है, 24 मिनट्स की होती है। अगर आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, अगर आपके गोल्स नहीं हो रहे तो मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पेनल्टी ना पड़े, क्योंकि उसमें भी पेनल्टी पड़ती है। तो ये जो गेम होती है ना, एक्चुअली ये 24 या ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 चली जाती है मिनट्स तक। तो अच्छा ये क्या इंडोर गेम होती है, फिजिकल गेम होती है या ऑनलाइन खेली जाती है, क्या होता है? नहीं नहीं ये फिजिकल गेम है, फिजिकल गेम। इसमें इंजरीज जैसे आपने बोला कि भाई इंजरीज जाहिर सी बात है वो तो एक फुटबॉल से भी थोड़ी बड़ी गेंद होती है, बॉल होती है। तो इंजरीज होती हैं आपके पास, आपको कवर अप करने के लिए पूरा किट दिया जाता है। जी मैंने देखा उसको रोकने के लिए, मतलब आप पूरा लेट आपको डाइट लगाना पड़ता है। आपने बाजू की जोर लगानी है, अपने लेग्स की जोर लगानी होती है, मुंह पे भी वो बॉल लगती है। जाहिर सी बात है आप मुंह आगे करेंगे यार लग जाओ बॉल तो फिर तो लगेगी। मुंह को सबसे पहले आपने अपने बाजू को आगे करना है, ठीक है? बाजू जैसे आपके दोनों बाजू है ना, तो इतना टाइम मिल जाता है जब बॉल आती है आपको जज करना है। आपको पोजीशन में रहना होता है। हमारे पास देखे तीन रो होते हैं, ए बी सी, ठीक है? ए में एक खिलाड़ी होता है, बी में जो होता है वो एरिया को कवर करवाता है, सी को भी कवर करवाता है और ए को भी कवर करवाता है। बी का जो बीच में खिलाड़ी होता है, बीच का हमेशा पिस्ता आपको पता है। तो इस बात से काफी मतलब निकल सकते हैं। नहीं तुम एक मतलब निकालो मेहरबानी फिलहाल। तो ये होता है उसमें, ये होता है इंजरीज आपको हो सकती हैं, आपने लेग्स की मदद से जो है बॉल को रोकनी होती है, आपने बाजू की मदद से आप बॉल रोकनी होती है। उसमें गोल्स होते हैं और आपका एक एज अ फील्डर कह सकते हैं कि आप किस तरह से आपकी एफर्ट होती है कि आप दूसरी टीम की जो सामने वाली टीम की आप गोल्स किस बेहतरीन अंदाज में से रोक सकते हैं। और अपनी टीम के लिए आपको ये फोकस करना होता है कि आप जी जान लगा के गोल्स करें ताकि आपकी जो टीम है विन करने का टास्क होता है वो एक होता है या कोई भी कर सकता है? नहीं डिपेंड करता है जिसके पास बॉल आती है वो थ्रो कर सकता है। तो बॉल हाथ से थ्रो करनी है, आपने बॉल को एक हाथ से उठाना है, ठीक है? एक हाथ से थ्रो करना है,
अच्छा इस पे ब्लाइंड फोल्ड होती है जो पहनी होती है। हाँ, जो जाहिर सी बात है ब्लाइंड फोल्ड तो अगर कोई मतलब थोड़ा बहुत देख सकता है तो वो हाँ बिल्कुल बेनिफिट होगा या नहीं, लेकिन हर किसी को पहनना होता है वो ब्लाइंड फोल्ड। हाँ ये रूल है वहाँ। काफी बड़ा होता है इसका कोट। मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये आपको दो से तीन, देखें हमारे हमारे जो स्टूडियो है ना उसके दो तीन मजीद लगा लें। इतना बड़ा होता है, हमारा स्टूडियो छोटा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो तीन स्टूडियो ये तो आपको करना पड़ेगा। बहुत भाई बहुत मजा आया, गोल बॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में तमाम खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। साकिब रजा आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं, अभी हमारे इसी साल ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, वो पाकिस्तान में और कराची में ही होना है। हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा आप लिसनर्स के लिए लेकर आएँ कि आप ब्लाइंड क्रिकेट से अवेयर हो सकें, उस क्रिकेट को भी इंजॉय कर सकें। तो पाकिस्तान में इस तरह जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या और डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं वो जो परफॉर्म करते हैं या जो उनके गेम्स होते हैं उनको इंकरेज करना कितना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जितना स्पोर्ट्स आम लोगों के लिए ज़रूरी है इतना ही हमारे लिए यानी ब्लाइंड पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़ाहिर है स्पोर्ट्स जब आप खेलते हो, हमने कई दफ़ा इस पर बात भी की है कि इससे बंदा काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, काफ़ी उसकी फिटनेस ठीक रहती है, काफ़ी वो अच्छा फील करता है, फिट फील करता है अपने आप को, जो सुस्ती है काम में वो नहीं आ पाती, बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्थ के जो आपके मसाइल होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो डिप्रेशन के मामलात हैं, स्ट्रेस है, उससे भी आप थोड़ी देर के लिए सुकून में चले जाते हो, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ब्लाइंड क्रिकेट को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। हम प्रमोट करेंगे तो ज़ाहिर है उतना ही फिर मज़ा भी आएगा। तो हमारे साथ ज़ीशान भी मौजूद है, हमने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, हमने वैसे तो बाकायदा जो सेगमेंट है शायरी का वो ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन ज़ीशान हो शायरी का तड़का ना हो ये कैसे मुमकिन है। तो इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएँ, हम ज़ीशान से शायरी सुनेंगे। जनाब अली क्या सुना रहे हैं आज हमें? जी आपको मैं एक शायरी सुना रहा हूँ जो खास करके बाबर आजम पे फिट होती है आजकल। शायरी कुछ ऐसी है कि न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, चौके छक्के चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है, क्या बात है। न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से कि हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। कप्तानी झलकती है तो भाई, कप्तानी तो उन्होंने छोड़ दी थी, आगे 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 फिर बस यहाँ पे शेर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके जो अल्फाज है ना वो बाबर आजम पे आजकल फिट बैठ रहे हैं, हर कोई उसको बस गिराना चाहता है। अब 2011 का वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान की जो भी परफॉर्मेंस रही वो जाने देते हैं, उसके बाद मिसबाह उल हक पे कुछ इसी तरह की तनकीद, बल्कि थोड़ी इससे भी कहीं गई गुजरी तनकीद हुई थी, और उसके बाद फिर मिसबाह उल हक ने वो यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जब मैं जाता हूँ क्रीज पे तो 40 पे 4 आउट होते हैं, जब मैं वापस आता हूँ तो 150 पे 5 आउट होते हैं, और उसके बाद 160 पे पूरी टीम आउट हो जाती है, तो अब मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी जो कैप्टनसी से मिसबाह उल हक ने, और उसके बाद फिर वो भी सुलह सफाई वाले जो मामला चलते अच्छा, हैं हमारे हमारे यहाँ ये कि अगर कोई कैप्टनसी छोड़ना भी चाहे तो उसको लोग छोड़ने नहीं देते, दोबारा बुला लेते हैं। बाबर आजम ने कैप्टनसी अच्छी खासी जो आपने जो भी कुछ करके घसीट घसूट के उनसे छुड़वा ली थी, उसके बाद दोबारा से शाहीन आफरीदी आपसे काम नहीं आया, चला नहीं, आपके पास कोई और टीम में आपको मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि कोई और नहीं है हमारे पास, ऐसा किसी दिल में तेल नहीं है, आपने दोबारा फिर बाबर आजम को वो भी उनके वालिद साहब के मशवरे की वजह से आ गए, वरना अगर वो नहीं आते तो वर्ल्ड कप में हम न जाने शादाब खान के साथ जाते या इफ्तिखार अंकल के साथ जाते, किसके साथ जाते और हमारा क्या बनता। बना तो खैर अभी भी हमारा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर शायद इससे भी कुछ गया गुजर ही हो जाता। नहीं अगर हम ना सिंसियरिटी देखें तो नसीम में बहुत है, नसीम में सिंसियरिटी है, लेकिन सिंसियरिटी का मतलब ये नहीं होता कि कैप्टन उसको बना दो जिसमें सिंसियरिटी ज़्यादा है। कैप्टनसी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है, और सिंसियर इमोशनली नहीं तो काम नहीं हो सकते ना। आप अगर देखें नसीम शाह को तो बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स पे वो अपने इमोशंस को लॉस कर जाते हैं, आप देखें अगर उनको दो बॉल्स पे अच्छे शॉट पड़ गए तो तीसरा वो एकदम से उससे ज़्यादा फास्ट बॉल कर देते हैं और उससे अच्छा शॉट पड़ता है उनको। तो ये एक चीज़ें होती हैं, मतलब अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ कैप्टनसी के लायक एक बंदा है और मोहम्मद रिजवान है। बाबर आजम को भी मैं खुद भी कैप्टन नहीं मानता, लेकिन बाबर आजम एज बैट्समैन उन पर जो तनकीद हो रही है वो बिल्कुल गलत है, वो ज्यादती वाली बात है।
बिल्कुल बाबर आजम फॉर्म में नहीं है तो ज़ाहिर है तनकीद तो बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं इस वक्त नहीं, अगर आपने एज प्लेयर की बात की है तो मैं उसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि मतलब फॉर्म में भी नहीं है ना, ज़ाहिर है आप काफी अरसे से उनको नहीं देख पा रहे जो उनका रोल है टीम में। ये लंबी बहस है। कि धोखा न देना तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है। तेरी सूरत न देखूं तो दिखाई कुछ नहीं देता, हम क्या करें हमें तुमसे प्यार बहुत है। जीत का जोश जारी है। एहसन इकबाल फरियाल हमारे साथ। ये क्या था ये बहुत अच्छा था भाई साकिब रजा, क्या बात है आपकी, बहुत ही बेहतरीन आपने कथा सुनाया और मजा आया। शायरी का तड़का लगता रहता है गाहे गाहे, अच्छा लगता है शायरी हमारी। जिस तरह क्रिकेट से हमें मोहब्बत है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम का एक मसला शायरी भी है। और ये हाँ शायरी बहुत बड़ा मसला है। नहीं असल में जिस तरह क्रिकेट मसला है ना, क्रिकेट अच्छी भी लगती है लेकिन क्रिकेट मसला है, इसी तरह शायरी भी अच्छी लगती है लेकिन शायरी एक मसला है, क्योंकि इमोशंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है पाकिस्तानी शायरी। और हम लोग जो है ना वो मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते, जब हम शायरी सुनते हैं तो बस हम शायरी के होके रह जाते हैं। ये एक सिलसिला है, कभी शायरी पे पूरी पॉडकास्ट करेंगे और इन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा। देखो आपने लाइव ये चीज़ बोली, अगर ना किया तो फिर लिसनर आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो चाहता हूँ कि लिसनर्स हमें छोड़े ना, वो हमारे पीछे लग जाए 0330860072 पर हमें मैसेज करके बोलें कि आपने पॉडकास्ट बोली थी आपने क्यों नहीं किया, आपने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पे बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे आपने क्यों नहीं किया। हमारे पीछे लगेंगे तो हम काम करेंगे ना, हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी, वरना हमें लगेगा हम खुद ही बोलते रहते हैं, एक घंटा पूरा हो जाता है माइक बंद, हम घर चले जाते हैं और दैट्स इट। सो मिस फरियाल आपका ख्याल है कौन जा रहा है इस बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में? यार मेरे हिसाब से ना ऑस्ट्रेलिया भी सूटेबल है, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना चाहिए, लेकिन इंडिया भी है और वेस्ट इंडीज भी है, मेरी तीन टीमें हैं अभी, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कौन जाना चाहिए। यार मैं समझता हूं इसमें मैं भी अपना पॉइंट देना चाह रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया अकेला टीम जाएगा फाइनल में, दूसरा कौन होगा? दूसरा वैसे इंडिया तो मजा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यानी आप चाह रही हैं जैसे 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, क्या बात है। वैसे क्लास की क्रिकेट तो देखने को मिलेगी अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, क्योंकि वेस्ट इंडीज भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है जैसा पाकिस्तान है, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक वाला सीन है वेस्ट इंडीज का। वो टीम जाए जिसने अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, क्या ख्याल है ऐसे? तो वो तो कोई टीम रही नहीं गई सिवाय साउथ अफ्रीका के। आप चले जाएं या फिर वो ये एसएन चले जाएं? सिर्फ साउथ अफ्रीका ऐसी टीम रह गई है जिसने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता और वो इस सुपर 8 में मौजूद है और उसने अपना पहला मैच जीत भी लिया है, इवन सेमीफाइनल तक जाने के चांसेस उनके हैं। आज का उनका इंग्लैंड के साथ बहुत टफ मैच है, अगर वो जीत जाते हैं तो सीधा सीधा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया सॉरी क्या नाम है इनका साउथ अफ्रीका पहुंच सकते हैं। इंग्लैंड का क्या लग रहा है आपको, इंग्लैंड जाता है वो फाइनल में दिखाई दे? इंग्लैंड सुपर 8 में बड़ी मुश्किलों से गया है वो, भला हो सकता है यहाँ से उनका जिस तरह पाकिस्तान का आगाज अच्छा नहीं होता आगे चल के वो। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह की ऑन पेपर टीम है, मैं इंग्लैंड से बहुत मायूस हुआ हूँ, इंग्लैंड ने वो परफॉर्म किया ही नहीं जो उसको परफॉर्म करना चाहिए था। मतलब है उनके पास है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप, हाँ जी दिफाई चैंपियन है वो, दिफाई चैंपियन। हाँ लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जिस तरह वो सीरीज़ खेलते हैं या जिस तरह वो बाकी चीज़ें खेलते हैं लीग में, उनके जो लड़के परफॉर्म करते हैं यार क्या बैटिंग करते हैं, अपने आगे किसी को आने नहीं देते, बॉलिंग में भी उनका ये स्किन है। अभी मार्क वुड जैसे प्लेयर इतना ज़बरदस्त बॉलर है और वो पिटे पे पिटे जा रहा है, समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है, जो भी इनके प्लेयर्स हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे सिवाय आदिल रशीद के। आदिल रशीद कोई क्लास का बॉलर मिला है इंग्लैंड को स्पिनर, हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये वो टीम्स हैं जिन्होंने फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, इनकी हिस्ट्री फास्ट बॉलर्स के हवाले से ज़्यादा मशहूर है, एक्सेप्टेड जो है वो शेन वॉन। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि इनके पास जो स्पिनर्स हैं वो भी बहुत क्लास के हैं। हमारे साथ एक मसला हमारे स्पिन अटैक का भी था पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूँ कि सईद अजमल के बाद हमने कोई ऐसा स्पिनर यासिर शाह के बाद नहीं देखा जो बहुत, एक जुल्फ़िकार बाबर हमारे पास स्पिनर आए थे वो भी बहुत अच्छे स्पिनर थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कोई अच्छा स्पिनर देखा नहीं है। इमाद वसीम नो डाउट बहुत अच्छे स्पिनर है लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं,
मतलब सईद अजमल का मुकाबला इमाद वसीम से अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। अब्दुलरहमान भी हमारे पास स्पिनर आए थे, लेकिन अभी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में भी कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो इनके आसपास भी कहीं ना कहीं भटक रहा हो। पाकिस्तानी टीम के पास काफ़ी अच्छे स्पिनर्स बीच में हमें पीएसएल में दिखाई दिए थे। पाकिस्तान में होता क्या है कि आपको जब कोई टैलेंट नज़र आता है ना, मैंने बहुत नोट किया है कि उसको छुपा दिया जाता है। अब पीएसएल 2019 में अगर आपने एसएन पीएसएल फॉलो किया हो वो सीज़न, या 2018 वाला सीज़न ख़ास तौर पर, यानी 2019 वाला सीज़न जो था, सीज़न 4 था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में जो हुआ था, तो उसमें एक उमर खान नामी कराची किंग में एक प्लेयर आए थे, पाकिस्तान टीम में भी खेले हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है काम होगा मिला था यार उनको, उनको कराची किंग से भी छुपा दिया गया, अभी बिल्कुल वो कहीं नजर नहीं। कराची किंग से सुनने में आया था कि शायद उनके कुछ इख्तलाफात का वाला सिलसिला शायद शुरू हुआ था। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास रॉ टैलेंट आता है ना इन लीग्स वगैरह से, तो उस पर काम करने की जरूरत होती है। हम समझते हैं कि वही टैलेंट उसको वैसे ही जाके आगे चला देंगे, लाइक मोहम्मद हारिस हमारे पास पेशावर के प्लेयर हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन उन्हें उनके ऊपर काम करना है, वो एक रॉ मटेरियल है, उनके ऊपर उनकी पूरी रिफाइनरी से वो निकलेंगे, कोचेस के थ्रू निकलेंगे। देखते हैं पीएसएल में फौरन, फिर पीएसएल के बाद आप उनको टीम में लाते हैं, उनकी फॉर्म अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते प्रेशर को, और उसके बाद फॉर्म नहीं कर पाते, फिर आप उनको छुपा देते हैं, फिर उनको मौका नहीं मिलता। मेरा ख्याल ये है कि ना नए जो न्यू जनरेशन है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही डोमेस्टिक सर्किट से मेरे ख्याल से प्लेयर्स इग्नोर हो रहे हैं जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, और मैं खुद देख रहा हूँ कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को नई चांस मिला उस तरीके से, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, साहिबजादा फरहान बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं जस्ट बिकॉज के वो पीएसएल में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो जो हड़ा हुड़ी वाली क्रिकेट होती है, आपको 20 ओवर्स में 200 करने हैं और आप तभी लाइमलाइट में आओगे जब आप जो है वो 10 बॉलों पे 40 मार रहे हो या 15 पे 50 मार रहे हो, कुछ इस टाइप की परफॉर्मेंसेस दे रहे हो तो आप जो है वो लाइमलाइट में आते हो, अदरवाइज नहीं आते। और वो इस कैलिबर के प्लेयर ही नहीं है, वो तो जो है वो 60 में 100 वाले प्लेयर्स हैं या 55 में 100 वाले प्लेयर्स हैं, कुछ तरह के प्लेयर्स हैं, लंबी इनिंग्स के प्लेयर्स हैं। लंबी रेस के जो घोड़े हैं वो पाकिस्तानियों को पसंद क्यों नहीं आ रहे ये समझ नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक, इमाम उलहक, बाबर आजम, साहबजादा फरहान, कामरान गुलाम, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान हम लोग कहते हैं कि बस जो इस तरह का प्लेयर आता है ना, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी नेचर को चेंज कर लें। और देखिए फिर आप पीएसएल से लाते हैं, अगर कोई प्लेयर्स आपके पास आते हैं, जैसे काफ़ी सारे आपने लिए, हैदर अली आप लाए, हैदर अली का हमने ज़्यादा देखा ही नहीं, कुछ अर्सा आए नहीं खेल पाए, फिर आपने उनको छुपा दिया, खुशदिल शाह आए ज़्यादा देर न चल सके, खुशदिल शाह का, अच्छा खुशदिल शाह के पास आप एज ऑलराउंडर उसको खिलाने के बजाय आप उसको एज बैट्समैन खिला रहे हैं, हालांकि वही प्लेयर जब मुल्तान में आता है रिजवान जब उसको यूज़ करते हैं तो वो बाकी जो उनके पास स्पिनर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर जाता है। आसिफ अली की भी अगर बात करें, आसिफ अली का मैं एक ज़माने में बहुत बड़ा फ़ैन होता था, यानी जब वो 2018 में उन्होंने, छोटा फ़ैन नहीं होता यार, छोटे फ़ैन से भी हवा आ जाती है नहीं बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन, हाँ तो लगा कहीं 90s की बात हो रही है यहाँ पे, हम इतने पुराने नहीं ना, हमारे लिए ये जो जमाना है ना 2018 वाला, ये भी बहुत पुराना, किसी जमाने में बना तो परेशान हो गए, ये मैं भी ये समझा अपने पहले जन्म की बात कर रहे हैं। तो 2018 में उन्होंने यहाँ पे कराची में जब पहली बार काफी अरसे बाद क्रिकेट वापस आई थी, फाइनल में जो है छक्के मारे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए, पेशावर जलमी से मैच छीना था, फाइनल था, लग रहा था कि पेशावर जीत जाएगा, लेकिन आसिफ अली ने आखिर में आगे छक्के लगाए थे हसन अली को और वो मैच जिताया था। इसी तरह फिर काफ़ी और बार भी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के अगेंस्ट से वो चार गेंदों पे चार छक्के लगाए थे, किस के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की बजा दी थी तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके ऊपर भी, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम अगर किया जाता, काम करने की ज़रूरत है, हमें क्रिकेट के लिए रिफाइनरीज लगानी चाहिए हैं, बहुत बेहतरीन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास टेलर मेड कंटेंट होता है, जो हमारे पास रेडीमेड प्लेयर्स होते हैं उनको उतने चांसेस नहीं मिलते क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लेते हैं। ये था जनाब जीत का जोश, बहुत मज़ा आया आज, बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही, हमने विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के हवाले से जो स्पोर्ट होती है उनके लिए उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है उस पर बात की। मिस फरियाल आपका बहुत शुक्रिया, आप एक मरतबा फिर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रही। इसके अलावा ज़िशान का बहुत शुक्रिया जो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, उन्होंने गुफ्तगू की, तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी तमाम बातें जो हम यहाँ करते
सुनते रहे, और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमें सुनते रहे, और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मैसेजेस किए, अपने कमेंट लीव करते रहे। आप हमें अपने कमेंट इस शो के बाद भी लीव कर सकते हैं facebook.com/naisubahinstitute पर जाकर, और इसके अलावा 0330860072 पर आप हमें जो है वो रابطہ कायम कर सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं, और इस शो की इस ट्रांसमिशन के बारे में क्या चीज़ बेहतरीन आप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये तमाम बातें हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को आप जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम अपने इस पूरी ट्रांसमिशन में जो कि अब तकरीबन 60-70% कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज अब सुपर 8 का मरहला भी तकरीबन मिड में आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कम मैचेस होने थे, 16 मैचेस टोटल होने थे, सॉरी 8 मैचेस टोटल होने थे। तो ये सिलसिला है जी जनाब, आगे जिस तरह वर्ल्ड कप की हाइप क्रिएट होती चली जाएगी और हम सेमीफाइनल्स की तरफ मूव ऑन होंगे, तो मज़ीद दिलचस्प चीज़ें, मज़ीद कॉमेडी, मज़ीद तमाम चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। मुझे और पूरी टीम को, जो जीत का जोश की टीम आपके साथ गाहे गाहे शामिल होती रहती है, कभी कौन आ जाता है, कौन मिसिंग हो जाता है, कौन जब नहीं आता, ये सब इसीलिए कि सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ जो है वो चलती रहें, और पैरेलल में आपको कॉमेडी भी मिलती रहे, सम सीरियस डिस्कशन भी होती रहे, फ्रूटफुल कन्वर्सेशन भी होती रहे, और कुछ अगर हम स्टैट्स वगैरह शामिल कर पाएँ तो वो सब कुछ भी होता रहे, शायरी का तड़का भी लगता रहे। गाने आपने सुने, शायरी आपने सुनी, इन्जॉय किया होगा आपने इस प्रोग्राम को। हमारी जानिब से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।